हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। गाइज, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं रामायण का पाठ समाप्त होने पर है, तो सभी लोग आ गए हैं, मोहल्ले के भी, कॉलोनी के भी, सभी मौसी, सभी हमारे रिलेटिव्स हैं, सारे लोग नीचे आ गए हैं। क्योंकि रामायण में जो उत्तरकांड का पाठ होता है, वो अगर लास्ट की रामायण में ज़रूर सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो जितने भी लोग घर में हमारे प्रेजेंट हैं, वो सब आते जा रहे हैं धीरे धीरे करके नीचे। और देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोग कुछ ना कुछ तालियां ही बजा रहे हैं, और भगवान के भजन में ना सबका मन एकदम रम गया है। तो आप लोग भी इंजॉय करिए और भगवान का भजन सुनिए। और मेरे मायके से मेरे चाचा की बहू भी आ गई है, मम्मी भी नीचे आ गई हैं। तो अब हमारी मम्मी तैयार हो करके आई हैं नीचे प्रसाद चढ़ाने। तो मंदिर में हमारी मम्मी ने प्रसाद चढ़ा दिया है, और मम्मी की साड़ी इतनी सुंदर लग रही थी कि सभी लोगों ने तारीफ़ की। जिसने भी देखा उसने मम्मी की तारीफ़ की कि हाँ आ जा। और रामायण का पाठ समाप्त हो चुका है। तो अब हम दोनों पति पत्नी आ गए हैं आरती करने। तो यहाँ पर हो रही है आरती भगवान की, तो आखिरी कांड हो रहा है और आरती इस टाइम पर हम लोग कर रहे हैं। और आरती के बाद फिर यहाँ पर राज्याभिषेक वाला कार्यक्रम होगा, राजगद्दी वाला। भगवान की जब अयोध्या लौट आए थे पूरे 14 वर्ष के वनवास के बाद, तो पूरी रामायण की समाप्ति के बाद भगवान का राज्याभिषेक होता है, और वही कार्यक्रम यहाँ पर अभी होगा। तो सभी लोग आरती में देख सकते हैं खड़े हो गए हैं, और हमारे मोहल्ले कॉलोनी के भी लोग आ गए हैं, ज़्यादातर सभी लोग आ चुके हैं। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था, और आरती भी हो रही थी। और यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद तब हवन और यहाँ पे पंडित जी ने हवन की सारी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं, और उसके बाद अब हवन भी हो रहा है। तो पीछे भाभी लोग बैठी हुई हैं चेयर में, जिन लोगों को ज़मीन में बैठने में दिक्कत होती है वो लोग चेयर में बैठे हैं। तो हवन शुरू हो गया है, और हमारी सासू माँ ने ढोलक बजवाने का सोच लिया है, ढोलक बजना शुरू हो गई है। और हमारे यहाँ ये वाला गाना पहले हवन में ज़रूर गाया जाता है, बड़ी भाग्यशाली जमीनियाँ जहाँ हुए हवनियाँ। तो यही वाला गाना सासू माँ गा रही हैं। तो आप सब सासू माँ का गाना एंजॉय करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा एंजॉय कीजिए।
आखिरी में मम्मी पापा भी आ गए हैं आहुति डालने, और उसके बाद अब हम सब बड़ों का आशीर्वाद लेंगे। जितने भी यहाँ पे हमारे बड़े हैं, परिवार के लोग हैं, सबके पैर छुएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हवन हो चुका है और अब हम सब बड़ों के पैर छूने जा रहे हैं। तो हस्बैंड जी, मैं, हम, पहले मम्मी पापा, मौसा जी, मौसी जी, जितने भी मेरे ससुराल पक्ष के लोग हैं, सबके मुझे पैर छूने हैं। मायके पक्ष वालों के तो पैर किसी के नहीं छूने हैं, लेकिन हाँ, ससुराल पक्ष की भी फैमिली बहुत बड़ी है, तो अभी सबका पैर छू लेते हैं, सबसे आशीर्वाद ले लेते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं अब हमारी मौसी, जो मेरी मौसी सास हैं, वो अब अपना गाना गाने जा रही हैं। तो अभी उनका गाना आप लोग सुनिएगा, बहुत ही बढ़िया गाती हैं मेरी मौसी सास। और इनकी, इनके गाने की ना धुन ही बिल्कुल अलग है, एकदम कीर्तन में जैसी ललकार रहती है वैसा ही साउंड इनके मुंह से निकलता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो पंडित जी ने लास्ट में हमको विदा विदाई कर दी, टीका हम लोगों ने लगा लिया, और उसके बाद अब हम प्रसाद लेकर के तभी यहाँ से हटेंगे। मौसी सासुमा और मेरी मौसी दोनों ही बहुत तेज हैं गाने बजाने में, तो देख सकते हैं फुल वॉइस में ये लोग गाने बजाने में लगी हुई हैं। ये है मेरी मामी सासुमा जो कि डांस कर रही हैं ढोलक पे, तो देख सकते हैं ढोलक पे इनका डांस शुरू है। और अभी दिखा देते हैं आपको बाहर का नज़ारा। तो यहाँ पर मेरी बुआ सास इलाहाबाद से आ गई हैं, तो गेट के पास मेरी बुआ सास पहुँच गई हैं, और बुआ कह रही हैं बहुत दूर आकर के तुम लोग रहने लगे हो, प्रयागराज से लखनऊ तक का सफ़र काफ़ी लंबा हो जाता है, 4-4.5 घंटे पूरे लग जाते हैं, बहुत दूर का सफ़र करके आई हैं, काफ़ी थक भी गई हैं। और आपने देखा दोनों समधनों ने जबरदस्त रौनक लगा दी, खूब डांस किया मेरी मौसी ने और मेरी मौसी सासू माँ ने, दोनों ने खूब अच्छा डांस किया साथ में मिलकर के, बहुत मज़ा आया। और अब हम जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि मेरी बुआ सास अभी अभी आई हैं, तो उनके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना देते हैं। और यहाँ पर सभी लोगों ने बारी बारी से भगवान की आरती की, प्रसाद चढ़ाया, और अब सब लोग यहाँ पर गाने बजाने में लगे हुए हैं। दोपहर का खाना रेडी हो चुका है, तहरी आज के खाने में बनी हुई है, सुबह नाश्ते में आलू बुंडा बना हुआ था और दोपहर के खाने में तहरी बनी हुई है, तो तहरी अभी गर्मा गर्म बन करके रेडी हो चुकी है। तो वही मैंने सबसे बोला कि चलिए सभी लोग खाना पीना खा लीजिए, तो यहाँ पर सभी मेरी मौसी सास लोग सभी लोग आ गए हैं बैठ कर के, सब लोग तहरी खा रहे हैं, क्योंकि 2:30 बजे का टाइम हो रहा था, अब सबको लग आई थी भूख, तो इसीलिए सभी मौसी सास लोग यहाँ पर बैठ कर के खाना खा रही हैं। तो देख सकते हैं मामी जी हमारी सबको परसने में लगी हुई हैं और सभी मौसी लोग बैठ कर के खा रही हैं, मम्मी भी लगी हुई हैं परसने में, तो ऐसे ही होता है। हमारी मौसी ने सभी बच्चों के लिए चिप्स वगैरह मंगाया था, तो सभी बच्चे वो सब खा रहे हैं और यहाँ पे सभी लोग खाना खाने में लगे हुए हैं, इधर खुशी लोग भी
अभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है, तो भगवान अयोध्या लौट आए हैं। यहाँ पे वही प्रसंग चल रहा है और यहाँ पर तीनों माताएं कौशल्या, सुमित्रा और केकई के रूप में मम्मी लोग भगवान की आरती कर रही है। मेरी बड़ी सासू माँ, मम्मी और मेरी मौसी, तीनों लोग मिलकर भगवान की आरती कर रही हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और देख सकते हैं जब भगवान अयोध्या लौटे तो कन्याओं ने इस तरीके से अपने सिर पे कलश रखे, झंडे लिए और इस तरीके से भगवान का स्वागत हुआ। तो इसमें पूरी 6 कन्याएं लगती हैं, तो 6 कन्याएं पूरी हो गई हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आद्या है, धृति है, विदुषी है और यहाँ पे ओजस भी आ गए हैं। ओजस तो कन्या नहीं है पर ओजस को भी झंडा पकड़ना है और खुशी, जस्सी। भैया 100 पुत्राएं हमारे डॉक्टर प्रसाद शुक्ला जी की ओर से, माताओं के बहनों के जन्म में सभापति स्त्रियों की ओर से आरती होने जा रही है, उसी उपलक्ष्य में दान किए गए हैं और उनके परिवार को शुभकामनाएं देता हूं कल्याण की। करते हैं, पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स।